सर आपने पहले धारा 370 का विरोध किया, फिर तीन तलाक का विरोध किया, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। आपकी क्या हालत हुई इस देश की जनता देख रही है, आप सारे राज्यों में चुनाव हार रहे हैं। अब ऐसी क्या मजबूरी है आप इन कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं, अब कितने राज्यों में चुनाव हारेंगे आप? मैं तीनों चीजों का हिस्से उत्तर देता हूँ आपको। सबसे पहले अंजना जी आप उत्तर दे देना। बोलिए बोलिए सर, आप मैं बस बुला रही हूं। मदरसे मतलब स्वतंत्रता के बाद आए, ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उससे पहले इस देश में मदरसे नहीं थे, ये क्या ज्ञान है इनका। उसके बाद कितने मदरसे, एक मिनट भाई अब सुनिए ना जरा, उसके बाद बंद कितने कर दिया आपने? आप कह रहे हैं सर वक्फ बोर्ड आ गया, कितने वक्फ बोर्ड बंद कर दिया आपने पिछले 8 साल में? आप कह रहे हैं सर गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड हम ले आए, अरे भाई 24 साल हम से नहीं लाए भाई, भाई सुनिए ना जरा लगातार सरकार लाई। एक मिनट, गुजरात के अंदर 24 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया आपने? किसने रोका था? कांग्रेस ने रोका था या मौलानाओं ने रोका था आपको? नहीं, केवल इसलिए कि चुनाव आ गया है, 8 साल हो गए, पकौड़े तल रहे थे केंद्र सरकार में बैठे हुए, पकौड़ा आज तक एक भी बिल क्यों नहीं आया आज तक? एक मिनट अंजना जी पार्लियामेंट का स्टेटस बताता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड का। केवल और केवल एक प्राइवेट मेंबर बिना आया राकेश सिन्हा लेकर आए, पार्टी क्यों नहीं लेके आई, इनकी सरकार क्यों नहीं बिल लेके आई यूनिफॉर्म सिविल कोड? एक मिनट अंतिम बात और कहना चाहता हूं, ये बार बार कहते हैं, अभी जो सवाल बच्चे ने पूछा, आर्टिकल 370 हट गया क्या इस देश से? हट गया, देश के प्रधानमंत्री से लेकर स्टूडियो तक लोग झूठ बोलते हैं। आर्टिकल 370 का जो नोटिफिकेशन है पहला सेंटेंस है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज टू चेंजेस। आर्टिकल 370 अगर नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होगा। शरिया वर्सेस सुप्रीम कोर्ट पे भी फिर शरिया पे चले गए सुप्रीम कोर्ट। अंजना जी बहुत बड़ा सवाल उठाया ना, यहाँ पर 150 लोग बैठे हैं, सब अपना मोबाइल खोलें और देखिए कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आज आर्टिकल 370 पार्ट है कि नहीं। 17 केसेस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, 17 के 17, एक मिनट, 17 के 17 केस स्टैंड करते हैं और पहला सेंटेंस ये कि आर्टिकल 370 की पावर्स को यूज करते हुए हमें दो चेंजेस कर रहे हैं और इस तरह के चेंजेस 36 चेंजेस पहले हुए, क्या आर्टिकल 370 हट गया? अरे सुनिए तो, हमने चेंजेस पे छाती नहीं पीटी, सुनिए हमने प्रोसेस में छाती पीटी, वो तरीका गलत था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था तरीका, और यही कारण है कि 3 साल से वहां चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। आलोक जी ने जो बोला, इनके नेता प्रतिपक्ष ने कितने मदरसे बंद किए उसका एक लिस्ट बता दीजिए मुझे, कि भारत सरकार ने यदि 370 हटाया है तो गलत हटाया। कहां आप मांगेंगे कि वो अधीर रंजन सही, आप वो सदन में दिया बयान है, आपका मीडिया में दिया बयान। अरे भाई प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं तो क्या करेंगे इस देश? ठीक है सवाल सुनते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं आलोक जी, सारे यहाँ झूठे बैठे हैं। आपने कागज दिखा सर, सर प्लीज रिस्पेक्ट आवर गेस्ट, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 370 हट गया, आर्टिकल 370 इज नॉट अ पार्ट। आपने एक चीज कही कि हाई, मुझे सब मिलकर कागज दिखा दीजिए आलोक जी, सवाल एक लाइन दे दूं, मैं चैलेंज करता हूँ, एक लाइन दे दूं, सब अपने अपने मोबाइल खोलिए और याद आती है, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, फिर वही बात। आलोक जी से मेरा सवाल है, जुमलों से देश चलता होता तो हालत नहीं होती, जुमलों में ही देश का यह सीधा कह रहा हूँ, आर्टिकल 370 इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे कागज दिखा दीजिए। अब आप अपनी बात रिपीट करें आलोक जी, अभी आपने एक बात बताई थी कि हाईकोर्ट में एक उपाध्याय जी ने मुकदमा डाला हुआ है, 3 साल से इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। अरे आप दिल्ली में 1 घंटे में वहां से ऑर्डर लिया है सुप्रीम कोर्ट से, तो आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल जैसे, जाके वहां से भी ऑर्डर लिया है। उसमें कोई पार्टी जाएगी क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगी, आपको इतनी समझ ही नहीं है। कौन नहीं पार्टी क्यों नहीं जाएगी, रिप्लाई देगा पार्टी कैसे चली जाएगी किसके? अरे तो वकील जाएगी, जैसे वकील वो उपाध्याय जी ने वहां मुकदमा डाल रखा है तो ऐसे आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं? गवर्नमेंट इंडिया के 3 साल तक जवाब ना दे, यहाँ रोटी मांगे सर, छोटा बोलिए, बहुत लंबा बोल रहे, भाषण नहीं देना है, वैल्यू जजमेंट मत कीजिए, प्रश्न पूछिए। मौलाना जी से मेरा सवाल है, एक कानून तो हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, दो होने चाहिए कानून, एक तो ये सिविल कोर्ट वाला हो गया और दूसरा अपना जो आपका सरिया वाला हो गया है। लेकिन उसमें मैंने जो सुना है ये भी सुना है कि सवाल पूछिए सर, कि उसमें ये भी लिखा है कि फ्री का नहीं खाना है हमें, फ्री में हमें नहीं चाहिए, किसमें लिखा है? ब्याज नहीं खाना है
सही बात। आप एक चीज बताइएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट में ब्याज कहां से आ गया? कहां से ब्याज आ गया यार? ये सवाल नहीं है क्या? सिविल कोर्ट में एक संविधान तो मुझे एक नहीं मानना है, लेकिन सुविधाएं मुझे सारी चाहिए। किस चीज में? हर चीज में सुविधाएं सारी चाहिए। बोर्ड मानिए तो यूनिफॉर्म मानिए, पूरा मानिए। नहीं, गोवा में क्यों नहीं लाए 25 साल से, उसका जवाब नहीं। पूछे मैम, मेरा सवाल मौलाना साहब से है। इन्होंने कहा कि मतलब अगर गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज लाना चाहती है जो देश के लिए सही है तो उसको सीधे लेकर आना चाहिए उस चीज को, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है जो अभी जो ये लाना चाह रही है कि एक रूल हो सबके लिए, एक नियम हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी चीज है ना कि ले आए ना, कौन मना कर रहा है? फिर बाद में समझाते ना फिर। मेरे कहने का मतलब वो है, दिक्कत कि फिर मंत्रियों की कमेटियां बनाए, सांसदों की जरूरत क्या है ये बताओ। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि कल को फिर कहीं बैठ जाएंगे सड़क पे, फिर जनता को दिक्कत होगी ट्रैफिक में, तो आज बताइए ना क्या दिक्कत है, ताकि मीडिया के जरिए सवाल तो पूछा जाए कि ये दिक्कत है, ये क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक, दिक्कत तो बताइए। बैठिए, हमारे बस बैठिए, अगला सवाल ने उसको जवाब सुन। हाँ, बोलिए, आप जवाब दीजिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत अच्छी हर चीज पर जायज तरीके से एहतजाज करने का, धरना प्रदर्शन करने का फिर आदेश दिया है, खत्म हो गई। जवाब छोड़, जब कोई चीज गलत होगी तो लोग रोड मतलब आप वो गलत ले आए, जब लोग हल्ला जब गलत होगा तो लोग रोड। अभी बताइए ना सर, लड़की पूछ रही है क्या प्रॉब्लम है उसमें, बता तो दिया कि लाओ तो कौन रोक रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है कोई? लेकिन सबको शामिल करके ले आओ ना, सबको शामिल करके ले आओ, कौन मना कर रहा है? ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं, फिर कह रहा हूँ आपसे कि ऐसा मत लाओ कि कानून समझाने के लिए कमेटी बनाना पड़े। एक लाइन ऑफिशियल, केटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था जब लड़कियों की एज 21 की गई। अरे इसके बाद कॉमन सिविल कोड ले आएंगे, चार बीबियां नहीं रख पाओगे, ये है राज की बात। और ये रिकॉर्डेड बयान है, न किसी मुस्लिम नेता ने विरोध जवाब बनता है, न कांग्रेस के नेता ने विरोध का जवाब बनता है। मैं सुधांशु जी, भाई केटी हसन का रिकॉर्डेड बयान है, मैं कोई मैं गलत बात नहीं बोल रहा, किसी मौलाना कहना चाहिए, क्यों मजाक बना रहे हो मेरे सिविल कोड का? किसी मौलाना ने बोला? नहीं बोला। कोई सेक्युलरिज्म का सुरमा बोला? नहीं बोला। उसके बाद तरह तरह के टेक्निकल बात बताने का प्रयास आलोक जी का, पर्सनल लॉ के नाम पर चल रही कुरीतियों पर आघात होगा, इसीलिए आप लोग घबराए हुए हैं क्या मौलाना जी? सवाल सीधा है, देखिए जब कानून बनेगा तो सब सामने आ जाएगा, कौन कुरीतियां हैं, कौन कुरीतियां नहीं, कहां कुरीतियां हैं, कहां नहीं है। अब जहां तक सवाल, इन्होंने एक सांसद का नाम लिया, ये बार बार एक बात का जिक्र करते हैं कि मनमोहन सिंह साहब ने एक बात कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं, ये नहीं कहा, सुन तो लीजिए, माइनॉरिटी शब्द था, माइनॉरिटी शब्द था मुसलमानों में, क्यों नहीं किए सारे मीडिया अखबारों में? जवाब दे रहा हूँ, करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा था मोदी जी देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उस पर क्यों बहस नहीं होती है? ये तो मनमोहन सिंह ने ही कहा था ना, और ऑन रिकॉर्ड आज भी चल रहा है कि मनमोहन सिंह साहब ने ये कहा था कि मोदी जी अगर सरकार बनी, मोदी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के लिए हानिकारक हो जाएगा, और वो हो रहा है, क्यों नहीं उस पर बहस होती है भाई? ये जनता तो नहीं मान रही कि हानिकारक, नहीं माने ना, अरे नहीं माने ना, उससे क्या होता है? हम तो सुना सकते हैं आपको, हम तो सुना, जनता नहीं मानेंगे चूंकि कांग्रेस की बात है, भाजपा की होती तो सब मान लेती, हम तो देख रहे हैं ना। मोदी हम गुस्सा नहीं, मोदी जी की सेहत के लिए हानिकारक।